हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस अनीता। आज हम करेंगे चैप्टर 5 लूप्स। लूप्स क्या है, हम इनका क्यों यूज करते हैं, व्हाट आर लूप्स। इन लूपिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मेनी टाइम्स अंटिल द स्टेटेड कंडीशन बिकम False. कह रहा है इन लूपिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट की सीक्वेंस है, हम उसको मेनी टाइम्स तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ए लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बॉडी ऑफ लूप एंड ए कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट इज a combination of some conditions that direct the body of loop to execute until the specified condition become false. लूप के अंदर जब हमें स्टेटमेंट्स को मेनी टाइम एग्जीक्यूट करना है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहे, वो एग्जीक्यूट होती रहे, इसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। और जब वो फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है। टाइप्स ऑफ लूप्स, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम ए लूप इज क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इन एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप ए कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन द बॉडी ऑफ ए लूप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्री चेकिंग लूप। हम जब भी कंडीशन चेक करते हैं, अगर यह कंडीशन हम स्टेटमेंट्स प्रिंट होने से पहले चेक कर रहे हैं, प्रोग्राम के एंट्री टाइम पे ही चेक कर रहे हैं, तो हम उसे एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। फिर है इन एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ए कंडीशन इज चेक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप। इन एन एग्जिट कंट्रोल लूप, कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप। पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पोस्ट चेकिंग लूप। जब हम इसमें हमारी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, स्टेटमेंट्स एक बार जरूर एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन चेक होती है, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। और प्रोग्राम से एग्जिट करते हुए हम ये कंडीशन चेक करते हैं। तो ये हमने दो लूप पढ़ी है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। फिर है हमारे पास कितने टाइप्स की लूप है। फर्स्ट हमारे पास है व्हाइल लूप, सेकंड डू व्हाइल लूप, फिर है फॉर लूप। हम मेनली तीन लूप का इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का यूज क्यों करते हैं, इट इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इन व्हाइल लूप ए कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर प्रोसेसिंग ए बॉडी ऑफ द लूप। कह रहा है ये एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्या होता है वो हमने अभी पढ़ा है कि हम इसमें पहले, सबसे पहले एक तो ये प्रोग्राम में एंट्री टाइम पे ही कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड देन कंट्रोल अगेन गोज बैक एट द बिगिनिंग एंड कंडीशन इज चेक्ड, इफ इट इज ट्रू सेम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर दोबारा कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट होगी, और जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक प्रिंट होती रहेगी, फॉल्स होने पे ही स्टॉप होगी। वंस द कंडीशन बिकम्स फॉल्स कंट्रोल गोज आउट ऑफ द लूप। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा कंट्रोल है वो आउट ऑफ द लूप हो जाता है। सिंटेक्स, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, व्हाइल कंडीशन, व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे, कंडीशन लिखेंगे जो भी हमें कंडीशन देनी है, ओपनिंग ब्रैकेट, स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट दे रहे उसी को मैंने टाइम प्रिंट कराना है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है वो लिखेंगे, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारा सिंटेक्स है। फिर प्रोग्राम है, फॉलोइंग प्रोग्राम इलुस्ट्रेट्स ए व्हाइल लूप। हम इस ये प्रोग्राम करके देखते हैं।
व्हाइल लूप के थ्रू हम 1 to 10 नंबर काउंटिंग प्रिंट कराने का प्रोग्राम करेंगे। इसको हटा लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं, वेरिएबल लेते हैं आई। क्लियर स्क्रीन। अब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, 1 से किया। अब हम देंगे व्हाइल लूप, व्हाइल कीवर्ड का यूज किया और कंडीशन, जो हमें कंडीशन देनी है प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम प्रिंट कर रहे हैं 1 to 10 काउंटिंग, तो हम देंगे आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। आई को 1 से हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। प्रिंट ऑफ परसेंट डी आई, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे यहां पर, गेट सी एच। इसी में ही सेव कर देते हैं इसको। ये देखो 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हुई है, लेकिन बहुत पास पास है। हमें इसे अलग अलग लाइन में लेकर आना है, ऐसे नहीं लिखना है। हम यूज करेंगे बैकस्लैश एन। सेव किया अगेन 1 to 10। देखो अब ये वर्क कैसे कर रही है। सबसे पहले हमने कोई वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज किया, हमें 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो 1 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने आई को लेस देन और इक्वल टू 10 रखा है, 10 तक जाना है हमें। प्रिंट ऑफ, सबसे पहले कंडीशन चेक हुई है क्या, आई 1 से इनिशियलाइज किया है, 1 है आई की जगह, 1 इज लेस देन 10। यस, कंडीशन इज ट्रू, आई इज लेस देन 10 बिकॉज आई इज 1। वहां 1 यहां पे प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हुआ। फिर इसके साथ ही हमने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया है। ये क्या काम करता है, हम पिछले लेक्चर में इसे पढ़ चुके हैं। ये इसमें एक बढ़ाने का काम करता है, जो भी वैल्यू है उसमें एक और बढ़ा देगा। यहाँ पे 1 है, ये 2 हो जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, अब आई की वैल्यू क्या है, 2। फिर कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, 2 प्रिंट होगा। और ये कंडीशन जब तक चलती रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। इस तरह हम इसमें व्हाइल कंडीशन का यूज करते हैं। इसमें एक प्रोग्राम और बनाते हैं, हमें सम करना है 10 नेचुरल नंबर्स का। 10 नेचुरल नंबर का सम करने के लिए हम एक कीवर्ड, एक वेरिएबल और लेंगे सम। इसको भी इनिशियलाइज करेंगे, सम इज इक्वल टू 0। 0 से इनिशियलाइज किया, नहीं तो ये कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा सकता है, हमारा प्रोग्राम गलत हो सकता है। हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब हमें देखो 10 नेचुरल नंबर है, 10 नेचुरल नंबर 1 to 10, 1 से स्टार्ट होंगे। आई को इनिशियलाइज 1 से ही रखेंगे और कंडीशन भी 10, 10 नंबर का करना है हमें एडिशन। यहां पे लिखो सम प्लस आई, और अब हम आई के बजाय सम को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि जो एडिशन, जो ऐड होके आंसर सम में आ रहा है, इसको प्रिंट कराएंगे। सेव किया, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये हमने सम में 0 लिया है, हमें 10 नेचुरल नंबर का सम करना है। सम में क्या है, 0, यहां भी 0 है, 0। आई कितना है, 1, 0, 1, 1। सम में कितना आया, 1। नेक्स्ट टाइम सम कितना है, 1 और आई 2। सम 1 और आई 2 है, कितना हुआ, 3, यहां पे आ गया 3। अब सम के अंदर क्या है, 3, और आई की वैल्यू क्या है, 4। 4 और 3, यहां पे ऐसे हम इसका एडिशन करते जाएंगे। ये देखो, तीन, वापिस प्रोग्राम पे आते हैं। ये देखो, आप इसको ऐसे हम इसको करके देख सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 लेके हर बार सम में ये जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो लेते जाएंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, 10 तक। तो इस प्रकार हम ये प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट,
डू व्हाइल, अभी हमने किया व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में हमने दो प्रोग्राम बनाए हैं. व्हाइल लूप के दो प्रोग्राम किए हैं, 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करने का, दूसरा हमने किया है सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स का. दोनों प्रोग्राम आप स्टूडेंट्स करके देखेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, डू व्हाइल लूप. डू व्हाइल लूप क्यों कैसे यूज होती है, देखो डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप एक्सेप्ट दैट कंडीशन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द बॉडी ऑफ ए लूप. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. इसको हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में एग्जिट टाइम पे ही कंडीशन चेक होती है. इसमें एज वी सा इन ए व्हाइल लूप, बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू. बॉडी तभी एग्जीक्यूट होती है व्हाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू है. इन सम केसेस वी हैव टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप एटलीस्ट वंस इफ इन कंडीशन इज फॉल्स. दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप. डू व्हाइल लूप में बॉडी ऑफ लूप एक बार जरूर एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स, क्योंकि हम जो कंडीशन है वो प्रोग्राम के एक्सिट टाइम पे चेक कर रहे हैं, और जो इनिशियलाइजेशन हमने वेरिएबल का किया हुआ है उससे हमारी बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. ये हमारा है डू व्हाइल लूप. ये हमारा प्रोग्राम है. वी आर गोइंग टू प्रिंट ए टेबल ऑफ टू. टू का टेबल प्रिंट करवा रखा है. हम इसको टर्बो में करते हैं, करके देखते हैं इस प्रोग्राम को. देखो इसको मैं हटा देती हूँ, इसी में कर लेते हैं. सबसे पहले हम टू का ही करते हैं. टू का टेबल आर एस सी आर कीवर्ड यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन के लिए. आई इज इक्वल टू टू ये लिखो, फिर डू कीवर्ड यूज करेंगे, फिर प्रिंट ऑफ में हम लिखेंगे प्रिंट कराएंगे आई को. आई इज इक्वल टू आई प्लस टू. आई इज इक्वल टू आई प्लस टू क्यों? क्योंकि हमें टू का टेबल प्रिंट करना है. हम टू टू की इंक्रीमेंट करेंगे इसके अंदर. प्रोग्राम क्लोजिंग ब्रैकेट. अब कंडीशन देंगे इसमें वाई आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10. अच्छा यहां पे हम सेमी कोलन यूज करेंगे. गेट सी एच बैकस्लैश एन यूज नहीं किया है. जब तक बैकस्लैश एन यूज नहीं करेंगे आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा. बैकस्लैश एन यूज किया टू का टेबल. अच्छा ये भी देखना है हमें अब टू का टेबल कहां तक लेके जाना है. 20 तक. 10 तक करेंगे तो 5 तक ही जाएगा. हमें 20 तक जाना है और 2 का इंक्रीमेंट करना है. ये देखो 2 का टेबल. सबसे पहले हमने आई वेरिएबल लिया, इसको इनिशियलाइज किया 2 से. अब आई की वैल्यू यहां प्रिंट कराएंगे. अभी कंडीशन है नहीं तो हम सबसे पहले इसकी ये है कि इसमें सिर्फ यही लूप ऐसा है जिसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप एक बार एग्जीक्यूट होती है कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो. ये प्रिंट हो जाएगा 2 के अंदर. अब वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे चेक हो गई. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और जब तक आई की वैल्यू 20 रहेगी ये स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी. इस प्रकार हमने ये डू व्हाइल का प्रोग्राम किया है. अब नेक्स्ट ये प्रोग्राम हम कर चुके फॉर लूप.
A for loop is more efficient loop structure in C programming. For loop है ये C programming की सबसे simple efficient बोल सकते बिल्कुल efficient loop है. Syntax of for loop. Syntax देखेंगे कैसे use करेंगे. Initial value. While loop में हम variable को declare करने के बाद उसको initialize करते हैं. इसके अंदर for loop के अंदर ही use करेंगे. सेमीकोलन फिर एक कंडीशन. यहाँ पे हम कंडीशन देंगे फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. देखो इसमें फॉर लूप के अंदर तीनों काम हम एक साथ कर रहे हैं. इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ओपनिंग ब्रैकेट स्टेटमेंट्स क्लोजिंग ब्रैकेट. अब इसका प्रोग्राम करते देखो प्रोग्राम में क्या किया हुआ हमने. फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट यूज ऑफ सिंपल फॉर लूप. नंबर नंबर इज इक्वल टू वन. Number is less than and is equal to 10. Number plus plus. For loop to print 1 to 10 number. ये 1 to 10 number को print करने के लिए program है. इसको हम करके देखते हैं. इसको हम करके देखते हैं. For loop का program भी. Int I अब हम यूज करेंगे. हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं printf. प्रोग्राम किस चीज का बना रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 और यहां पे साथ में यूज करेंगे बैकस्लैश एन ताकि जो काउंटिंग है वो हमारी आगे से आए. ये हमने स्टेटमेंट दी प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 फॉर लूप. फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस प्रिंट ऑफ. प्रिंट ऑफ में आई को प्रिंट कराएंगे गेट्स एच सेव करेंगे फोर डॉट सी. बैकस्लैश एन यूज करेंगे यहां पर फिर से हम बैकस्लैश टी भी यूज कर सकते हैं अगर हमें एक ही लाइन में टैब इतना स्पेस देने के बाद नंबर्स चाहिए तो. ये देखिए प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 ये हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई. ये हमारा फॉर लूप का प्रोग्राम एज ए डेमो ये प्रोग्राम करके दिखाया है. आप इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं. नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप देखो नोटिस दैट लूप्स कैन आल्सो बी नेस्टेड वेयर देयर इज एन आउटर लूप एंड ए इनर लूप. फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप रिपीट्स इट्स एंटायर साइकिल. इसके अंदर हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप का यूज करते हैं. जो हम बाहर सबसे बाहर लूप यूज कर रहे हैं उसको आउटर लूप बोलते हैं और उस लूप के अंदर एक और लूप जो हम यूज कर रहे हैं उसको इनर लूप बोलते हैं. ये हमारा प्रोग्राम है. हम इसका एक डेमो ही करके देखते हैं. सबसे पहले एक प्रोग्राम इसका भी करके देख लेते हैं. ये समझने में थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा हमें ये कि ये स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती हैं लूप से कैसे वर्क करेंगी. वॉइड इसको रहने देते हैं यहां से हटाते हैं. इंट I कोमा J C L R C R क्लियर स्क्रीन. इसमें हम फॉर लूप का यूज करते हैं आउटर फॉर लूप. I इज इक्वल टू 1 I इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 I प्लस प्लस
इसी के अंदर एक और लूप यूज करेंगे फोर, थोड़ा आगे से यूज कर सकते हैं फोर, जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन एंड इज इक्वल टू आई। ये हम आई इसकी जे की वैल्यू एज कब तक चलेगी, जब जो आई की वैल्यू रहेगी जे प्लस प्लस, प्रिंट ऑफ हम प्रिंट करा रहे हैं हैश। जो हमारी आउटर लूप है ये रो के लिए यूज होती है, रो प्रिंट कराने के लिए, और इनर लूप है ये कॉलम्स प्रिंट कराने के लिए। और हमें क्या प्रिंट कराना है ये हम इनर लूप में लिखते हैं। एक बार और प्रिंट ऑफ यूज करेंगे, प्रिंट ऑफ बैकस्लैश एन, गेट सी एच, सेव करेंगे प्रोग्राम को एन ई एस फोर डॉट सी, कोई भी नाम दे करके डॉट सी जरूर लगाना है हमने। ये देखिए ये हमारी नेस्टेड फॉर लूप के प्रोग्राम की आउटपुट है। हमने आउटर लूप में आई को वैल्यू दिया वन और इसको आई इज लेस देन फाइव किया है। ये हमारे फाइव रो देगा, हमारी जो रो है वो इसमें फाइव रहेंगी, और जे है ये वन से स्टार्ट है, और इसकी वैल्यू अगर आई वन है तो ये वन तक ही जाएगा, आई की वैल्यू टू है तो ये टू तक जाएगा, और ये हमें ये आउटपुट मिलेगी प्रोग्राम की। देखो आई की वैल्यू हमने फाइव दिया है तो ये फाइव रो है और फाइव ही कॉलम है क्योंकि जे को भी हमने लेस देन आई रखा हुआ है। तो ये था हमारा नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम। अब डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में भी रिपीट होता रहता है, और इसे वाइवा में भी मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है। कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, सबसे पहले हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं, कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। डू व्हाइल में सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन चेक होती है। इट माइट अकर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड जीरो टाइम्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। देखो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी डू व्हाइल में स्टेटमेंट एक बार जरूर एग्जीक्यूट होती है। नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ व्हाइल, इसमें हम व्हाइल लूप के पीछे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, लेकिन डू व्हाइल के अंदर हम व्हाइल लूप में कंडीशन के पीछे सेमीकोलन यूज करते हैं। अब व्हाइल में इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं है, ब्रैकेट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसमें ब्रैकेट्स यूज करते हैं। व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, दो व्हाइल इज एक्सिट कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, एंट्री टाइम पे ही हम कंडीशन चेक करते हैं, और डू व्हाइल में हम एक्सिट टाइम पे कंडीशन चेक करते हैं। व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स, ये सिंटैक्स, डू स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन लास्ट में चेक करेंगे। तो ये हमारी आज का हमने काम किया, लूप्स कितने तरह की लूप्स हैं उनका हमने हर एक लूप का एक एक प्रोग्राम किया है, आप ये प्रोग्राम जरूर करके देखेंगे, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे हम इसको अपलोड कर रहे हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू।